गाइस बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ग्रुप सी की वैकेंसी आई है, जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल लाइन मैन की वैकेंसी आई है, और हेड कांस्टेबल जनरेटर मोटर मैकेनिक की वैकेंसी आई है, कारपेंटर एंड प्लम्बर की वैकेंसी आई है, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे ITI प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी मांगा था। तो आज हम इस वीडियो में इसके सिलेबस को लेके, यानी कुछ पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेके और PET को लेके, PST एंड DV ट्रेड को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेप वाइज स्टेप हम यहाँ पे समझेंगे फेज वन में क्या होगा, फेज टू में क्या होगा, फेज थ्री, फेज फोर, फेज फाइव में क्या होगा, और कितने फेज से आपको गुजरना होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सभी चीजों पे यहाँ पे स्टेप वन स्टेप टू करके डिस्कस करते हैं। देखो पहले हम पोस्ट के लिए हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोस्ट के बारे में मैं आपको दे देता हूँ। हेड कांस्टेबल प्लम्बर एंड कारपेंटर की वैकेंसी चाहिए, और कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक की वैकेंसी चाहिए, कांस्टेबल लाइन मैन की वैकेंसी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे होगा। देखो सबसे पहले आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट को जब आप क्वालिफाई करोगे, उसमें से जो स्टूडेंट लिए जाएंगे 1:10 की रेशियो में लिए जाएंगे। सपोज करो 10 वैकेंसीज है, तो 100 स्टूडेंट जो है वो DV PST एंड PET के लिए भेजेंगे। DV PST PET इनका सेम डे होगा, हो सकता है 2-3 दिन लगातार चले, लेकिन ये तीनों चीज एक साथ होगी। ठीक है, उसके बाद आपका DME होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर उसमें भी आपकी कुछ प्रॉब्लम है DME में, अगर आपको नहीं पता है कुछ चीजें तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट पिन कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको समझा दूँ। फिर उसके बाद आपका रीएमई होगा, यानी री मेडिकल एग्जामिनेशन। वो जैसे BSF चाहेगी वो वैसे होगा, अगर कुछ इश्यू आपका निकलता है। ये सब चीजें आपकी क्लियर हुई। अगर DV में भी आपको कुछ नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में। देखो रिटन टेस्ट इसका ओनली वन एग्जाम होगा। ग्रुप बी में 2 एग्जाम थे, ग्रुप सी में ओनली वन एग्जाम होगा। जो ये एग्जाम होगा ये OMR बेस्ड होगा, जैसे कि 2-3 साल पहले होता था कि आपको गोले भरने वाला एग्जाम होगा, और ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन के जो है 4 ऑप्शन होंगे, जो भी सही लगता है ABCD पर आप एक पर गोला भर सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। BSF के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक दो तुक्का भी लगा सकते हो, अगर हल्का फुल्का। हालांकि स्टूडेंट सभी तुक्के लगाएंगे, 100 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन का ही एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का ही ये एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन एक नंबर को कैरी करेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो दोनों ही भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगा। यानी सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिखेगा, फिर सेम ही पेज पर आपको सेम ही क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट मिलेगा। और जैसे ही आपको समझ में आए, हिंदी पढ़ना जानते हो अच्छे से, तो हिंदी में क्वेश्चन समझ सकते हो, इंग्लिश में भी आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, और गाइस रिटन टेस्ट में आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल EWS और OBC के लिए 50% मार्क्स रखे हैं, अगर आप ST SC कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स आपको लेके आने हैं। यहां तक ये चीज समझ में आई। एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इजिली ऑलमोस्ट स्टूडेंट 99% इस सिलेबस को इजिली कवर कर लेते हैं। फिर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में जो इसके क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 40 नंबर का आपका बेसिक सिलेबस हुआ। ठीक है, इसके बाद पार्ट सी सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इससे दूसरी वीडियो हुई, अच्छे से आपको समझाऊंगा। पार्ट सी आपका टेक्निकल सिलेबस होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। ये डिपेंड करेगा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इन 20 क्वेश्चन को नजरअंदाज भी करें तो 80 क्वेश्चन, भाई ये तो आपने पढ़ा है, लिमिटेड सिलेबस है, इजीली आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग कहीं ना कहीं मैथमेटिक के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, माइंड से निकालने होते हैं, वे इजिली आप कहीं ना कहीं 20 में से 15 से 17 नंबर आप इजिली कर लोगे। बात करें जनरल अवेयरनेस की, इसका एक लिमिटेड सिलेबस नहीं है, तो इसकी आप जो है जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी चीजें हैं,
आप 6 मंथ की करंट अफेयर लूसेंट ये सब चीजें पढ़ लो तो इजीली आपको कवर हो जाएगा। अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस 50-60% तो आपका पहले से ही कवर होगा, बाकी आप देख लो इन दो सिलेबस को, ठीक है। ये सिलेबस, अच्छा ये सिलेबस क्या है, अगर आपने ITI जैसे मांगा है 3 साल का एक्सपीरियंस है, ITI से तो आएगा, लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने गेन किया है यानी एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल चीजों पे भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल तो नहीं करना लेकिन कुछ थिंकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है कि वायरिंग को थोड़ा कनेक्ट कर दो ऐसे, जैसे R1 R2 है फिजिक्स में तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ से सीरीज पैरेलल सर्किट के बारे में ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझाऊंगा एक एक करके आपको कि आप ये पढ़ लो तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो प्लम्बर में, प्लम्बर से ITI किया तो प्लम्बर से क्वेश्चन आएंगे, कारपेंटर से क्वेश्चन आएंगे 60%, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का फॉर्म भर रहे हो, ऑपरेटर में इलेक्ट्रिशियन वायरमैन डीजल एंड मोटर मैकेनिक के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप जनरेटर मैकेनिक का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें ITI से डीजल एंड मोटर मैकेनिक के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यहाँ पे लाइन मैन का फॉर्म भर रहे हो तो लाइन मैन में जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी फायर होती है, फायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे लाइन मैन में क्या फायर कोड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, वायर मैन के क्वेश्चन आएंगे और लाइन मैन के तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। 3 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा है मैंडेटरी आपका, उससे भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो भी उस मतलब उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। बताया मैंने 10 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेकेंड फेज यानी PT, PST, DV के लिए जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो DV के बारे में अगर आपको नहीं पता क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और अपडेट आपको किस डेट से करने हैं तो आप कमेंट कर दो, मैं एक सेपरेट वीडियो अच्छे से आपको उसमें भी समझा दूंगा, ठीक है। डीवी तो आपका होगा, पहले आपका डीवी होगा जब आप हॉल में घुसोगे, पहले आपका डीवी होगा। डीवी के बाद आपका PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये होती है बॉडी की मेजरमेंट हाइट एंड चेस्ट, जो उनकी मेजरमेंट चाहिए वो वहां पे लेने के लिए। हाइट के बारे में बात करें, देखो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 5 सेंटीमीटर मेल की हाइट रिलैक्सेबल है कि जो हिली एरिया से, ओनली फॉर प्लम्बर एंड कारपेंटर के लिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हो, कांस्टेबल के लिए जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेबल है, यानी कारपेंटर के लिए और प्लम्बर के लिए अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से, जम्मू से, UT से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बिलोंग करते हैं, हेड कांस्टेबल के लिए 160 सेंटीमीटर तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। अगर कांस्टेबल के लिए बात करें 162.5 सेंटीमीटर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये चीजें क्लियर हुई। फीमेल की सभी में सेम है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इसमें। 157 सेंटीमीटर हाइट जो है फीमेल की होनी चाहिए और फीमेल का दोनों में ही वेट यहाँ पे सेम ही है, 46 kg से नीचे फीमेल का वेट नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही फीमेल का यहाँ पे वेट होना चाहिए। मेल की चेस्ट की बात करें 76.81 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, 2% का यानी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। जो स्टूडेंट बिलो 20 ईयर एज है यानी जिसकी एज 20 साल से नीचे है उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो समझ गए होंगे कैसे होगा, उनकी चेज 2-2 सेंटीमीटर यहाँ पे कम, जैसे कि मैं 74-79 ऐसे, और शायद कुछ कांस्टेबल के लिए चेंज है वो नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत देख लेना, 1-2 सेंटीमीटर का चेंज है यहाँ पे, हालांकि सेम ही है, कहीं मुझे मेरे माइंड में आ रहा है कुछ ना कुछ हल्का सा चेंज है, ठीक है। पीटी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, फिर आपकी रनिंग होगी। देखो रनिंग सेम है, 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट में पूरी करनी है अगर आप मेल कैंडिडेट है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 800 मीटर 4 मिनट में अपनी पूरी करनी है, इजीली हो जाएगी एग्जाम पास करने के बाद। हालांकि हो सकते हैं कि मेल की भी बहुत इजी है एग्जाम पास करने के बाद, आप जब से तैयारी करो तो ये हो जाएगा, करीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप हाई जंप में आपको 3-3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में फाउल नहीं होना है, अच्छे से पास करना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट का लॉन्ग जंप मेल को करना है और 9 फीट का लॉन्ग जंप फीमेल को करना है। अगर हम हाई जंप की बात करें तो यहाँ पे 3.5 फीट यहाँ पे मेल को करना है और 3 फीट यहाँ पे फीमेल को करना है, ठीक है।
अगर हम इसके मेडिकल की बात करें, यहाँ पे आईज की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट आईज की बात करें, देखो नियर विजन में जो आपकी आईज है, बेटर आईज आपकी N6 होनी चाहिए और रोस्ट आईज आपकी जो मेजरमेंट है उसका N9 होना चाहिए। अगर हम बात करें डिस्टेंट विजन की, उसमें जो आपकी बेटर आईज है वो 6x6 होनी चाहिए और जो आपकी रोस्ट आईज है 6x9 होनी चाहिए। बाकी हम टैटू की बात करें, आपकी बॉडी पे कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अगर विजिबल टैटू है तो मेजरमेंट दी हुई है 1 इंच से 1/4 इंच, समझ गए ना मेरी बात, 1/4 इंच टैटू का साइज होना चाहिए। बाकी आपको किसी भी तरह की BSF से रिलेटेड डिटेल चाहिए, हालांकि मैं इसके सिलेबस को लेके डिटेल में एक वीडियो पक्का बनाऊंगा, कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू।